ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको भगवान सूर्य देव के रविवार व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। आइए भगवान भास्कर के पावन महिमा को इस दिव्य और सुमधुर कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। सूर्य देव की हम शुभकारी कथा सुनाते हैं, सूर्य देव की हम शुभकारी कथा सुनाते हैं, इनके पावन महिमा की हम कथा गाते हैं। जनों, प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नित्य सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करती तथा रविवार के दिन भावपूर्वक व्रत रखती थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। बुढ़िया प्रभु को ध्यान लगाती, व्रत में एक बार ही खाती, रविवार व्रत कथा निरंतर बुढ़िया सुनती है मन भर कर। सूर्य देव जी ने खुश होकर कृपा दृष्टि की उसके ऊपर, बुढ़िया के घर में सुख छाया, रोग रहित हो गई है काया। देख देख के आस पास के जलते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। भक्तजनों, उस बुढ़िया के सुख को देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलन करने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इस कारण घर लिपने के लिए वह प्रत्येक रविवार को अपनी पड़ोसन के आंगन में बधी गाय का गोबर लाती थी और घर लीपती थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। एक बार वह दुष्ट पड़ोसन लगी सोचने कुछ मन ही मन, गाय को आज बांध दूं अंदर, कैसे पाएगी यह गोबर। अगला रविवार जब आया, बुढ़िया ने ना गोबर पाया, लीप सकी ना वह घर आंगन, इस कारण से दुखी हुआ मन। उसके दुख से सूर्य देव भी दुखी हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, इनके पावन महिमा की हम कथा गाते हैं। भक्तजनों, रविवार के दिन बुढ़िया ने न तो सूर्य देव का भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर वह भूखी प्यासी ही सो गई, जिससे भगवान
सूर्य देव के मन को भी बड़ा कष्ट पहुंचा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। अगले दिन प्रातः उठकर जब बुढ़िया आंगन में आई, तब देखा एक गाय अति सुंदर बछड़े सहित बंधी उसके घर। बुढ़िया का मन अति हर्षाया, चारा लाकर उसे खिलाया। सूर्य देव के गुण को गाती, बार बार आभार मनाती। सूर्य देवता भक्तों के दुख देख न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम कथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस पड़ोसन ने जब बुढ़िया के आंगन में गाय सहित बछड़े को देखा तो वह और अधिक चलने लगी कि तभी उस गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। को वह कहीं न पाकर उठा ले गई घर को गोबर। अपनी गाय का गोबर लाकर रखा है उस बुढ़िया के घर। इस प्रकार से नित्य निरंतर होता रहा यही उसके घर। कुछ दिन में वह दुष्ट पड़ोसन हो गई धनी का मुफ्त पाके धन। लेकिन यह तो रोज कोई भी जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम कथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, वह पड़ोसन बुढ़िया के उठने से पहले ही सोने का गोबर उठा ले जाती और अपनी गाय का गोबर रख आती थी, जिससे बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं चलता था और वह पहले की ही भांति भगवान सूर्य देव के व्रत को भावपूर्वक किया करती थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। देव ने जब सब जाना तो फिर अपने मन में ठाना। सूर्य देव ने की है माया, एक रोज बादल गिर आया। आंधी ऐसी चली भयंकर, जिससे मन को लगता था डर। सबने अपने पशुओं को भी बांध दिया घर के अंदर ही। अब आगे की बात सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम कथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस बुढ़िया ने भी गाय को घर के भीतर ही बांध दिया, जिस कारण पड़ोसन की एक भी चालाकी नहीं चली। और बुढ़िया ने जब सुबह उठकर सोने का गोबर देखा तो वह अचंभित रह गई। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय।
उस दिन से ही नित्य निरंतर गाय बांधती बुढ़िया अंदर। सोने के गोबर को पाती बुढ़िया मन में अति हर्षाती। कुछ दिन में ही बुढ़िया का घर धन दौलत से गया बहुत भर। दुष्ट पड़ोसन जल भुन जाती जब उसके घर नजर उठाती। दुष्ट जनों को औरों के सुख तनिक न भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्यदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। अत्यंत सुंदर और अद्भुत गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान आदित्य की जय। राजा गाय साथ में लाया, बुढ़िया के मन में दुख छाया। भूखी प्यासी बुढ़िया रहकर बैठ गई है ध्यान लगाकर। सूर्य देवता ने देखा जब मन में दया बहुत आई, तब उसी रात राजा को अपना दिखलाया है प्रभु ने सपना। सूर्य देवता राजा को अब तो समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्यदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, राजा के सपने में भगवान सूर्य देव कहते हैं, हे राजन, जाओ और उस बुढ़िया की गाय को लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा और तुम्हारा संपूर्ण महल नष्ट हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान आदित्य की जय। तह जैसे राजा जागे बुढ़िया के घर को ही भागे। गाय और बछड़े को लेकर लौटाया बुढ़िया को सादर। धन संपत्ति अपार मंगाया, क्षमा मांग कर शीश झुकाया। दुष्ट पड़ोसन उसके पति को दंड दिया महाराज ने। तो फिर राजा अपने महलों में वापस जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्यदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, राजा ने अपने राज्य में चारों तरफ यह घोषणा करवा दी कि सभी लोग श्रद्धा पूर्वक रविवार का व्रत किया करें। रविवार के व्रत से राज्य में चारों तरफ खुशहाली फैल गई और धन धान्य से सबका घर भर गया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान आदित्यनाथ की जय। रविवार
शनिवार को प्रातः उठकर नित्य नियम से निवृत्त होकर तन पर लाल वस्त्र को धारे, सूर्य देव का नाम उचारे, सूर्य देव का चित्र मंगाए या सोने की मूर्ति बिठाए, विधि विधान से पूजन करके सूर्य मंत्र को मन में धर के भक्त सभी भगवान सूर्य के गुण को गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, भगवान सूर्य की व्रत कथा को सुनने के पश्चात आरती उतारें और फिर ओम रीम हौं सः सूर्याय नमः मंत्र का 12, 5 अथवा 3 माला जप करें। रविवार का व्रत 12 अथवा 30 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को केवल सात्विक भोजन एक समय बिना नमक अथवा फलाहार करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान भास्कर देव की जय। रविवार को एक समय ही खाए रोटी दूध दही घी, रविवार का व्रत जो करता उससे शत्रु सदा है डरता, रोग दोष दुख कष्ट टलेगा, मन का हर एक भाव फलेगा, मान और सम्मान मिलेगा, मुरझाया मन पुनः खिलेगा। रविवार व्रत करने वाले दुख ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, रविवार का व्रत अत्यंत फलकारी और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो भी इस व्रत को नियम सहित करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तथा उसका जीवन परम मंगलमय हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। देव हैं जग के स्वामी, सूर्य देव हैं अंतर्यामी, चारों वेद इन्हीं को ध्याते, इनकी महिमा को है गाते। सूर्य देव हैं जग उपकारी, मंगल भवन अमंगल हारी, कवि सानंद ने कलम चलाई, आलोक सूर्य की गाथा गाए, कथा भाव से सुनने वाले अवतर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान, प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको भगवान सूर्य की पावन और सुमधुर अमृतवाणी सुनाने जा रहे हैं, जिसके कहने और सुनने से मन अत्यंत निर्मल हो जाता है।
तथा समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए पावन अमृत वाणी का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्यदेव भगवान की जय। जय आदित्य देव नवगामी त्रिभुवन पति प्रभु अंतर्यामी। जय आदित्य देव नवगामी त्रिभुवन पति प्रभु अंतर्यामी। भानु भास्कर नाथ तुम्हारी महिमा बड़ी महान। भानु भास्कर नाथ तुम्हारी महिमा बड़ी महान। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान सूर्य देव को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य का शाब्दिक अर्थ है सर्व प्रेरक और सर्व प्रकाशक। यजुर्वेद में चक्षो सूर्योजायत कहकर सूर्य को भगवान नारायण का नेत्र माना है। आइए आगे श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव महाराज की जय। निर्बल निर्विकार सुख राशि सूर्य देवता है अविनाशी। सत्य सनातन नित्य निरंतर आदि अंत सृष्टि से ऊपर। व्यापक विश्वरूप विशेश्वर परम प्रतापी प्रभु परमेश्वर। दानव मानव सबके प्यारे स्वार्थ रहित चहु दिसि उजियारे। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव के साक्षात समान। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव के साक्षात समान। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान सूर्य देव ब्रह्मा विष्णु और कैलाशपति भगवान शिव की तरह सृष्टि के विकास में अपना अत्यंत विशेष योगदान देने वाले परम कल्याण के साकार स्वरूप हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में सूर्य देव को परमात्मा का ही परम अंश बताया गया है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव महाराज की जय। सूर्य देव है जगत प्रकाशक अंधकार अज्ञान विनाशक। घोर पाप को हरने वाले जल थल नभ सब के रखवाले। सूर्य देव आरोग्य प्रदाता कर्मवान के भाग्य विधाता। जड़ चेतन के जीवन दाता संगी साथी गुरु पितु माता। ऊर्जाओं के मूल स्रोत ये सकल विश्व के प्राण। ऊर्जाओं के मूल स्रोत ये सकल विश्व के प्राण। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान।
प्रिय भक्तों, सूर्य उपनिषद में सूर्य देव को ही संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्मा बताया गया है। वैदिक काल में आर्य लोग भगवान सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं में विशिष्ट स्थान पाने के कारण सूर्य देव को सर्वश्रेष्ठ एवं अत्यंत सम्माननीय कहा गया है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव महाराज की जय। दिव्य तेज के धारण करता सूर्य देव है संकट हरता, सात श्वेत अश्वों का वाहन जिस पर लगा नाथ का आसन। अरुण देव रथ नित्य चलाते, सेवा में सर्वस्व लुटाते, सुर मुनि यक्ष नाग और नर किन्नर चरण कमल में झुकते सादर। सूर्य देव सबको आशीष देते एक समान, सूर्य देव सबको आशीष देते एक समान। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान, जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान सूर्य को आदि देव किस कारण कहा जाता है, आइए श्रवण करते हैं। जब सृष्टि के प्रारंभ काल में ब्रह्म देव को सृजन का कार्य प्राप्त हुआ, तब चारों तरफ घोर अंधकार होने के कारण निर्माण कार्य में बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ब्रह्मा जी इस समस्या का कोई उचित उपाय ढूंढने लगे और अचानक उनके मुख से एक दिव्य तेज शब्द रूप में प्रकट हुआ। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव महाराज की जय। ब्रह्म देव के मुख से बाहर ओम शब्द निकला अति सुंदर, दिव्य प्रभाव प्रकाश निराला ओम शब्द में अद्भुत ज्वाला। फिर भूभुवः और स्वः पावन प्रगट तीनों शब्द सुहावन, तीनों शब्द ओम के भीतर समा गए पल भर में जाकर। पिंड रूप ले लिया ओम ने हुआ सूर्य निर्माण, पिंड रूप ले लिया ओम ने हुआ सूर्य निर्माण। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान, जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। प्रिय भक्तों, यही ओम शब्द भगवान सूर्य का स्थूल स्वरूप बन गया। भगवान सूर्य के दिव्य प्रकाश और प्रभाव से सर्वत्र फैला हुआ घोर अंधकार क्षण भर में समाप्त हो गया, जिस कारण सृष्टि के सृजन का कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सका। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव महाराज की जय। स
सबसे पहले जग में आए आदि देव इसलिए कहाए। दिव्य किरण से जगत सजाया भटके मन को राह दिखाया। जब से अपना कार्य संभाला तब से जग में हुआ उजाला। बिना किए विश्राम दिवाकर चलते नभ में नित्य निरंतर। दानव मानव देव सभी जन करते इनका ध्यान। दानव मानव देव सभी जन करते इनका ध्यान। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। प्रिय भक्तों, एक बार की बात है, देवता और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जो लगातार वर्षों तक चलता रहा। इस महाभीषण युद्ध से सृष्टि का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। समस्त जीव व्याकुल हो उठे और चारों तरफ हाहाकार सा छा गया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्यदेव महाराज की जय। देव दानवों से हारे जब प्राण बचा करके भागे तब वन में लगे भटकने सारे निरुपाय हो के बेचारे। नारद के मन में दुख छाया सब देवों को साथ बुलाया। कश्यप मुनि के आगे जाके बात बताया सब समझा के। कश्यप जी बोले कैसे हो देवों का कल्याण। कश्यप जी बोले कैसे हो देवों का कल्याण। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। प्रिय भक्तों, जब कश्यप जी ने पूछा तो देवर्षि से नारद ने कहा कि दानवों का संहार स्वयं भगवान सूर्य के हाथों ही हो सकता है, परंतु भगवान सूर्य देव को अपने महाविराट अग्निपिंड स्वरूप से मनुष्य रूप में जन्म लेकर देव शक्तियों का सेनापतित्व करना होगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्यदेव महाराज की जय। प्रश्न उठा अब सूर्यदेव को, है वह कौन गर्भ धारे जो माँ अदिति तब आई बाहर। देवों ने की विनती सादर। माँ अदिति ने वन में जाकर किया तपस्या ध्यान लगाकर। सूर्य देवता सम्मुख आए वर दे के निज लोक सिधाए। इक्षित वर पाके माँ अदिति पहुँच गई स्थान। इक्षित वर पाके माँ अदिति पहुँच गई स्थान। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान।
भक्तों, कुछ समय के पश्चात भगवान सूर्यदेव माता अदिति के गर्भ में अपनी सुषुम्ना नाम की किरण के माध्यम से प्रवेश कर गए और फिर शुभ नक्षत्र लग्न और योग में माता अदिति ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया जिसका नाम मारदंड पड़ गया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्यदेव महाराज की जय। अदिति के घर जन्मे जाकर नाम पड़ा आदित्य दिवाकर, देवों का सब कष्ट मिटाया, असुरजनों को मार गिराया। सत्पुरुषों का मन हर्षाया, तीनों लोक में मंगल छाया, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ने भी सूर्य देवता की विनती की। सूर्य देव के जैसा दूजा और न कोई आन, सूर्य देव के जैसा दूजा और न कोई आन, जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम ने लंका पर विजय के पूर्व सूर्य देव की भावपूर्वक स्तुति की थी, जिसके प्रभाव से उन्हें लंका पर विजय प्राप्त हुई और उनका यश तीनों लोकों में विख्यात हो गया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव महाराज की जय। सूर्य देव का गुण जो गाए, शत्रुवादि पर जय वो पाए, रोग दोष बाधा मिट जाए, कठिनाई पथ में ना आए। प्रातः अर्घ चढ़ाता है जो, परम सफलता पाता है वो, दिन प्रतिदिन यश बढ़ता जाए, सुख समृद्धि से घर हर शाये। सूर्य देव भक्तों को देते मुँह मांगा वरदान, सूर्य देव भक्तों को देते मुँह मांगा वरदान, जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। जय जय प्रिय भक्तों, रविवार के दिन जो भी सूर्य देव का व्रत अथवा पूजा आदि करता है, उसे अपने जीवन में परम सुख और अंत में कैवल्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देवता समस्त जीवों पे समान भाव से कृपा बरसाने वाले परम उपकारी, मंगलों के मुख्य स्रोत सर्वशक्तिमान ब्रह्मा के ही स्वरूप हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्यदेव महाराज की जय। सूर्यदेव का भजन और कीर्तन धन्य करे भक्तों का जीवन, जो भी इनको निस दिन ध्याए आयु सत्ता शक्ति पाए।
सूर्य देव का नाम उचारो, लोक और परलोक संहारो। अमित सानंद सदा यश गाए, मनुज बंटी नित शीश झुकाए। सूर्य देव भक्तों का निश दिन करते हैं कल्याण, सूर्य देव भक्तों का निश दिन करते हैं कल्याण। जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान, जय जय दया निधान सूर्य देव भगवान। ओम धरणी सूर्याय नमः। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। भक्तजनों आइए आज हम आप सबको भगवान सूर्य के उस परम पावन और शक्तिशाली स्त्रोत का श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसे रावण पर विजय से पहले श्री राम जी ने मुनि अगस्त्य के मुखारविंद से श्रवण किया था। यह परम रहस्यमय और अत्यंत गोपनीय स्रोत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में बड़ा ही सामर्थ्यवान है। तो आइए भाव के साथ इस आदित्य हृदय स्रोत का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है, प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है। करुणा से ही जगत का कल्याण हो रहा है, करुणा से ही जगत का कल्याण हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है, प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है। जनों, रावण से युद्ध करते हुए जब प्रभु श्री राम को थकान सी महसूस होने लगी, तब वे चिंता करते हुए अपने शिविर में जाकर बैठ गए। प्रभु को चिंतित देखकर मुनि अगस्त्य जी उनके सामने उपस्थित हो गए और बोले, हे राम, तुम अपने मन की चिंताओं को छोड़कर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो, इसके प्रभाव से तुम युद्ध में शत्रुओं पर विजय श्री प्राप्त करोगे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। हे राम, अपने मन की चिंताओं को मिटाओ, हे राम, अपने मन की चिंताओं को मिटाओ। प्रभु सूर्य देव जी का शुभ ध्यान अब लगाओ, प्रभु सूर्य देव जी का शुभ ध्यान अब लगाओ। इनकी दया से सब कुछ आसान हो रहा है, इनकी दया से सब कुछ आसान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है, प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है।
हंसते कहते हैं कि हे राम, यह आदित्य हृदय स्रोत अक्षय फल को प्रदान करने वाला परम मंगलकारी उपाय है। इसका पाठ समस्त पापों का नाश करके चिंता और शोक को मिटाकर आयु बढ़ाने वाला अत्यंत उत्तम साधन है। इस परम पावन स्रोत से सदैव यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। अतः अब तुम ध्यान लगाकर इसका श्रवण करो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। सृष्टि के आदि में यह है सबसे पहले आए, सृष्टि के आदि में यह है सबसे पहले आए। इनकी दया से ब्रह्मा है सारा जग रचाए, इनकी दया से ब्रह्मा है सारा जग रचाए। वेदों में भी इन्हीं का गुणगान हो रहा है, वेदों में भी इन्हीं का गुणगान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है, प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है। भक्तजनों, अगस्त्य जी कहते हैं कि हे राम, भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता मनुष्य, नाग तथा सिद्धों से सर्वदा नमस्कृत हैं। भगवान सूर्य स्वार्थ रहित होकर समस्त लोगों को प्रकाशित करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव की जय। जीवों की वृद्धि है ये संसार के है स्वामी, जीवों की वृद्धि है ये संसार के है स्वामी। किरणों से सज रहे हैं प्रभु गगन पंथ गामी, किरणों से सज रहे हैं प्रभु गगन पंथ गामी। इनसे सदैव विकसित विज्ञान हो रहा है, इनसे सदैव विकसित विज्ञान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है, प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है। जनों, अगस्त्य मुनि स्त्रोत सुनाते हुए कहते हैं, हे राम, अब तुम रमिष्मते नमः, समुद्धन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः और भुवनेश्वराय नमः मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य देव का भावपूर्वक पूजन करो। समस्त देवता भगवान सूर्य के ही स्वरूप हैं और इन्हीं के तेज से बल तथा शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों,
भगवान सूर्य देव की। हैं सूर्य देव जग से अज्ञान हरने वाले, हैं सूर्य देव जग से अज्ञान हरने वाले। संतों के शुद्ध मन में शुभ ज्ञान भरने वाले, संतों के शुद्ध मन में शुभ ज्ञान भरने वाले। इनसे ही सब प्रकाशित हर स्थान हो रहा है, इनसे ही सब प्रकाशित हर स्थान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है, प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है। जनों, अगस्त्य मुनि कहते हैं कि हे राम, भगवान सूर्य ब्रह्मा विष्णु और शिव के समान परम समर्थवान है। यही इंद्र कुबेर यम अग्नि वायु अश्विनी कुमार मरुदग्न प्राण और ऋतुओं को प्रकट करने वाले प्रकाश के पुंज हैं। इनका वाहन सप्त अशों से बना हुआ दिव्य रथ तथा सारथी अरुण है, जो निरंतर इनके रथ को हांकते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। कण में वास इनका, सर्वत्र इनकी छाया। कण कण में वास इनका, सर्वत्र इनकी छाया। जो कुछ भी है जगत में सब इन्हीं की है माया, जो कुछ भी है जगत में सब इन्हीं की है माया। योगी जनों को निस दिन यही भान हो रहा है, योगी जनों को निस दिन यही भान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है, प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है। भक्तजनों, अगस्त्य जी कहते हैं, हे राम, भगवान सूर्य हिरण्य रेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज हैं। चाहे रात्रि का अंधकार हो चाहे अज्ञान का, दोनों ही अंधकार को मिटाने में ये परम सामर्थ्यवान हैं। इनके अनंत नाम हैं और समस्त नाम विषय विकारों का समूल विनाश करने वाले तथा सर्वदा परम आनंद सुख को प्रदान करने वाले हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। तारों ग्रहों के स्वामी अविनाशी विश्व भरता, तारों ग्रहों के स्वामी अविनाशी विश्व भरता।
के है हर्ता, सद्मार्ग देने वाले त्रयताप के है हर्ता। निर्बल इन्हीं के बल से बलवान हो रहा है, निर्बल इन्हीं के बल से बलवान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है, प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। जनों, अगस्त्य जी कहते हैं कि हे राम, भगवान सूर्य तेजस्वियों में तेजस्वी, जय स्वरूप, विजय तथा कीर्ति को प्रदान करने वाले हैं। माता अदिति के पुत्र होने के कारण इन्हें आदित्य भी कहा जाता है। प्रकृति को चैतन्यता प्रदान करने वाले प्रचंड तेजधारी भगवान सूर्य को बारंबार प्रणाम है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। निर्मल स्वभाव वाले निर्गुण सगुण प्रभाकर, निर्मल स्वभाव वाले निर्गुण सगुण प्रभाकर, आरोग्य के हैं दाता रवि भास्कर दिवाकर, आरोग्य के हैं दाता रवि भास्कर दिवाकर। सुमिरन सेन पे निर्धन धनवान हो रहा है, सुमिरन से इनके निर्धन धनवान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है, प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान। जी कहते हैं कि हे राम, भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये सबके मन को जानने वाले सर्वज्ञ अंतर्यामी हैं। यही पूजा, जप, तप और यज्ञ आदि शुभ कर्मों को फल और बल प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी किरणों से ऋतुओं को परिवर्तन कराने वाले और संपूर्ण लोकों की क्रियाओं को योग के फल देने में पूर्ण समर्थ और सबल हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव की जय। जो भी कहीं कभी भी इनके गुणों को गाए, जो भी कहीं कभी भी इनके गुणों को गाए, संसार में वो प्राणी दुख को कभी न पाए, संसार में वो प्राणी दुख को कभी न पाए। इनसे ही सब ग्रहों का सम्मान हो रहा है, इनसे ही सब ग्रहों का सम्मान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो।
जी कहते हैं, हे राम, जो पुरुष विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भी भय के समय सूर्य का कीर्तन भजन करता है, उसे कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे राम, अब तुम एकाग्र चित्त होकर इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करो। इसके प्रभाव से तुम्हें युद्ध में अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। भक्तजनों, भगवान राम ने शुद्ध चित्त से आचमन करके आदित्य हृदय स्त्रोत का 3 बार जप किया और उन्हें भगवान सूर्य देव की कृपा से रावण पर विजय प्राप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। सानंद जो प्रभु को नित शीष है झुकाता, आलोक जो प्रभु को नित शीष है झुकाता, वह अंत के समय में कैवल्य पद है पाता, वह अंत के समय में कैवल्य पद है पाता। रवि का नियम से सुमिरन वरदान हो रहा है, रवि का नियम से सुमिरन वरदान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है, प्रभु सूर्य देव से ही दिन मान हो रहा है। करुणा से ही जगत का कल्याण हो रहा है, करुणा से ही जगत का कल्याण।